सो व्हाट्स अप गेमर्स, के हाल है सभी का। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गेम में जो अभी तक के जितने भी हिडन अचीवमेंट आए हैं, तो टोटल 7 अचीवमेंट आए हैं। तो पूरा इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सारे के सारे अचीवमेंट किस तरीके से यहाँ पर आपको कंप्लीट करने हैं। सो गाइस, वीडियो को लंबा न खींचते हुए तो शुरू करते हैं। सो गाइस, आते हैं पहले हिडन अचीवमेंट के ऊपर जिसका नाम होने वाला है हुइट मी। सो गाइस, इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसमें हवा में फिनिश हो जाना है। सो गाइस, यहाँ पर आप सिंपली लिविक स्टार्ट कर सकते हो और सिंपली आपको लिविक के जोन के बाहर चले जाना है, जिससे क्या होगा कि आप हवा में यहाँ पर फिनिश हो जाओगे। तो यहाँ पर आपको नीचे नहीं जाना है। तो आप चाहो तो यहाँ पर आप पैराशूट पहले भी ओपन कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप अगर किसी एनिमी के द्वारा भी यहाँ पर किल होते हवा में, तब भी यहाँ पर आपका ये वाला कम्प्लीट हो जाएगा। तो देख सकते हो हम यहाँ पर किल हो चुके हैं। तो सिंपली लोबी जाके चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हो हमारे ये वाला अचीवमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस, यहाँ पर वीडियो थोड़ी सी पुरानी है तो इस चीज़ को आप यहाँ पर इग्नोर करना। उसके अलावा ऐसे यहाँ पर आप पबजी के किसी वर्जन में इसको कंप्लीट कर सकते हो, चाहे तो वो BGMI हुआ या पबजी मोबाइल या पबजी मोबाइल KR हुआ, तो तीनों में आपको सेम हिडन अचीवमेंट देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बाकी के जो भी वर्जन है टाइवन वगैरह, तो सब में आपको हिडन अचीवमेंट सेम देखने को मिलने वाले हैं। उसके अलावा गाइस, यहाँ पर सेकंड हिडन अचीवमेंट का नाम होने वाला है रब स्पीकर। सो गाइस, इसके अंदर आपको क्या करना है, टोटल आपको यहाँ पर 20 अलग अलग अटैचमेंट उठा लेना है। तो यहाँ पर आपको जो भी दिखे आपको सबको पिकअप करते जाना है। एक्सटेंडर क्विक ड्रॉ मिले या कोई भी स्कोप वगैरह मिले तो उसको भी यहाँ पर आपको पिक कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे को जो भी चीज़ दिख रही है यहाँ पर उसको पिकअप कर रहा हूँ। उसके अलावा वैसे यहाँ पर आपको ऑटो पिकअप को ऑफ कर लेना है, क्योंकि मतलब कि काफ़ी सारे मतलब कि एमओ वगैरह फालतू में उठा लेगा, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा एमओ नहीं उठानी है। तो अगर यहाँ पर आप एक एमओ उठा के चलते हो तब भी यहाँ पर आपका अकाउंट हो जाएगा। तो देख सकते हो मेरे को जितने भी एक्सटेंडर क्विक ड्रॉ यहाँ पर मिले थे सबके यहाँ पर उठा रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना कि आप यहाँ पर अटैचमेंट उठा लो, बट गाइस यहाँ पर आपको ज़्यादा एमओ नहीं उठानी है। अगर एमओ उठाओगे तो यहाँ पर कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि एमओ का बस यहाँ पर एक ही कॉलम होता है। उसके अलावा वैसे यहाँ पर जो अटैचमेंट का होता है, यहाँ पर अलग अटैचमेंट सब में अलग ही अलग अलग कॉलम बन के आते हैं। तो कभी भी आप देखना कि एक अटैचमेंट अगर आप दो बार उठाते हो तो वहाँ पर दो लिख के नहीं आएगा, तो एक एक वो आपको अलग अलग दिखेगी। तो अभी तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर उठा ली, बट गाइस यहाँ पर लगे जब तक बैग पैक फुल नहीं होता है यहाँ पर मैं उठाते रहता हूँ, तो यहाँ पर मेरा बैग पैक ही फुल हो जाता है। तो सिंपली मैं यहाँ पर एमओ को ड्रॉप कर देता हूँ। तो एमओ को देखो मतलब कि यहाँ पर 30 लिखा रहा है एक साथ, तो यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत एमओ ड्रॉप कर देता हूँ। बट अटैचमेंट का देखो कि अलग अलग कॉलम बन के आ रहे हैं सारे। उसके अलावा गाइस यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि आपने यहाँ पर कितनी अटैचमेंट पिक कर ली है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर उठा ली थी। तो यहाँ पर मैं लिविक के होल्डर्स आए, तो यहाँ पर ही मेरे को मतलब कि काफ़ी कुछ यहाँ पर मिल गया था। तो सिंपली यहाँ पर मैं खुद पे नेट कर लेता हूँ। सुबह से यहाँ पर किल होने के बाद यहाँ पर सिंपली लोबी चलते हैं। सुबह से यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे ये वाला हिडन अचीवमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट अचीवमेंट की ओर। सो गाइस, इस वाले हिडन अचीवमेंट का नाम होने वाला है RB टीममेट। सो गाइस, इसके अंदर आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपने टीममेट से यहाँ पर किल हो जाना है। तो आप चाहो तो मतलब किस तरीके से यहाँ पर किल हो सकते हो, तो यहाँ पर हमें एक नेड मिलता है, तो वो सिंपली मैं अपने टीममेट को बोल देता हूँ कि मेरे पे अपन नेड कर दे। तो यहाँ पर सिंपली नेट से फिनिश हो जाता हूँ। सो गाइस, इसी तरीके से यहाँ पर आपको टोटल 20 बार यहाँ पर फिनिश हो जाना है। तो आप चाहो तो यहाँ पर नेड भी कर सकते हो, कुछ और करना हो तो आप कुछ और भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मोली भी कर ली थी, तो देख सकते हो यहाँ पर मोली से भी यहाँ पर मैं खुद को क्लिक करवा लेता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर आप व्हीकल फोड़ के भी कर सकते हो, तो काफ़ी सारे तरीके हैं इसको करने के। तो आप चाहो जिस तरीके से यहाँ पर आप मतलब कि अपने टीममेट से यहाँ पर किल हो सकते हो। तो जितने भी तरीके थे किल होने के यहाँ पर मैंने दिखा दिए। उसके अलावा यहाँ पर सिंपली लोबी जाके चेक करते हैं, तो यहाँ पर 20 बार यहाँ पर मैं किल हो चुका था। तो देख सकते हो हमारे ये वाला अचीवमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो सिंपली इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट वाले हिडन अचीवमेंट की ओर। सो गाइस, नेक्स्ट वाले हिडन अचीवमेंट का नाम होने वाला है पुअर कनेक्शन। सो गाइस, इस वाले अचीवमेंट को कंप्लीट करने के लिए आपको करना क्या होता है कि यहाँ पर आपका टीममेट ऑफलाइन होना चाहिए। उस टाइम या तो आपको एनिमी किल कर दे या फिर आप जाके खुद के टीममेट को भी यहाँ पर किल कर सकते हो। तो दोनों को यहाँ पर किल हो जाना है, तो यहाँ पर आपका एक बार कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आप इजी वे में करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके टीममेट को बोल देना है कि यहाँ पर आपको वो फॉलो कर ले। उसके यहाँ पर सिंपली उसको बोल देना है कि जैसे प्लेन में आए तो यहाँ पर वो एग्जिट कर दे। एग्जिट करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली जोन के बाद चल जाना है। तो यहाँ पर आपको अपने टीममेट को भी साथ के साथ जोन के बाद लेके जाना है। सो गाइस, इसी तरीके से यहाँ पर आपको मतलब कि किल हो जाना है, और यहाँ पर आपको टोटल इस तरीके से यहाँ पर 50 बार कंप्लीट करना है, तब जाके आपका ये वाला अचीवमेंट यहाँ पर कंप्लीट होगा।
तो यहाँ पर हम एक बार किल होते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर हम फिर से एक और मैच लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि आपका टीममेट यहाँ पर ऑफलाइन होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पर आपका काउंट होगा। सो ये वाला हमारा लास्ट मैच है, इसके बाद ये वाला अचीवमेंट यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगा, तो सिंपली लोग भी जाके चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे ये वाला अचीवमेंट यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है, तो सिंपली इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। सो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट वाले हिडन अचीवमेंट की ओर। सो गाइस इस वाले हिडन अचीवमेंट का नाम होने वाला है रिप पार्ट यू सो। सो गाइस इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको सिंपली खुद पे 50 बार यहाँ पर नेट कर लेना है। यहाँ पर एक बार नेट करते हैं। और गाइस यहाँ पर आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ यहाँ पर ग्रेनेड से किल होना है, अगर यहाँ पर आप मोली वगैरह करोगे यहाँ पर अकाउंट नहीं होने वाला है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको टोटल 50 बार कम्प्लीट कर लेना है। ओके तो हम यहाँ पर लास्ट बार वो किल हो जाते हैं। तो ये मेरा 50 बार था, तो सिंपली लोग भी जाके चेक करते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे ये वाला अचीवमेंट भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो सिंपली इसको भी जाके कलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट अचीवमेंट की ओर। सो गाइस इस वाले अचीवमेंट का नाम होने वाला है आई एम सो अनलकी। सो गाइस इसके अंदर आपको क्या करना होता है, आपको 15 अलग अलग बंदों को डैमेज देना है, और यहाँ पर एक भी बंदा यहाँ पर किल नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपका एक भी किल हो जाता है तो यहाँ पर ये वाला अचीवमेंट कम्प्लीट नहीं होने वाला है। तो डैमेज का मतलब आप यहाँ पर एक गोली मार के भी चल सकते हो। सो यहाँ पर मैं बोलूँगा आप यहाँ पर अपने स्क्वाड को लेके चलो, क्योंकि यहाँ पर आपके स्क्वाड वाले काफ़ी इजीली इसको कम्प्लीट करवा सकते हैं। क्योंकि ऐसे यहाँ पर आप मतलब कि किसी बंदे को यहाँ पर डैमेज दोगे या किसी बोट को डैमेज दोगे गलती से, यहाँ पर अगर वो फिर से अगर आपके यहाँ पर सामने आ जाता है, अगर यहाँ पर आपने उसको फिर से डैमेज दिया, अगर यहाँ पर वो ज़्यादा डैमेज निकला हो तो यहाँ पर वो सीधा किल भी हो सकता है, और यहाँ पर आपकी पूरी जो भी मेहनत यहाँ पर वो ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर मैं तो बोलूँगा यहाँ पर आप अपने स्क्वाड के साथ भी कर सकते हो, यहाँ पर आप या तो डुओ कर सकते हो। तो सोलो में बिल्कुल भी इसको प्रीफर नहीं करूँगा। और सोलो में एक और प्रॉब्लम आएगी, अगर यहाँ पर आपने किसी बोट को डैमेज दिया ना, तो यहाँ पर वो पूरे मैच में आपके आगे पीछे घूमता रहेगा, और यहाँ पर आपको बार बार वो डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा। तो इस चीज़ का भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा सोलो के अंदर। तो स्क्वाड में आप सिंपली डैमेज देकर अपने टीममेट को बोल सकते हो, तो यहाँ पर वो आपके लिए उसको फिनिश कर देगा। उसके अलावा गाइस काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पूछते हैं कि इस वाले अचीवमेंट को यहाँ पर एक ही मैच में कंप्लीट करना है क्या। सो गाइस हाँ, यहाँ पर इस वाले अचीवमेंट को एक ही मैच में कंप्लीट करना है, तभी जाके आपका ये वाला अचीवमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो पाएगा। अगर आप इसको अलग अलग में करने की ट्राई करोगे यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा। तो एक ही मैच में आपको 15 से ज़्यादा बंदों को यहाँ पर डैमेज करना है, तो कम से कम तो यहाँ पर आपको 15 करना है, बट यहाँ पर आप ज़्यादा को डैमेज करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैं ज़्यादा चाहते हैं यहाँ पर पिस्टल से डैमेज दे रहा हूँ, क्योंकि पिस्टल का डैमेज काफ़ी कम होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जितने बोट हैं यहाँ पर मैं उसको पेड़ों पर मारता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर मैंने बॉडी अगर हेड मारा तो अगर यहाँ पर वो गलती से भी डैमेज होगा तो यहाँ पर वो सीधा फिनिश हो जाएगा। तो देख सकते हो बड़े ध्यान से मतलब मैं हर बोट को एक एक गोली यहाँ पर मार रहा हूँ। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको रियल बंदे या बोट को भी आप यहाँ पर डैमेज कर सकते हो। तो मेरी किस्मत तो काफ़ी अच्छी थी, यहाँ पर मेरे को FPP में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बोट मिल गए थे। उसके अलावा वैसे यहाँ पर एक नॉकआउट बोट होता है, तो उसको मैं सिंपली एक गोली मारता हूँ यहाँ पर। उसके अलावा वैसे मैं काफ़ी सारे बोट को डैमेज दे देता हूँ, सामने एक बोट होता है, तो सिंपली मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि तू इसको फिनिश कर दे। फिनिश का मतलब कि यहाँ पर नॉकआउट कर दे, तो यहाँ पर नॉकआउट करता है तो सिंपली मैं इसको पिस्टल से यहाँ पर डैमेज कर देता हूँ। सो गाइस अगर यहाँ पर आप चाहो तो इस तरीके से यहाँ पर इसको कम्प्लीट कर सकते हो, अपने टीममेट को बोलने की उसको नॉकआउट कर दे, उसके बाद यहाँ पर आप उसको एक गोली मार के यहाँ पर डैमेज कर सकते हो, तब भी आपको ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कहीं यहाँ पर हम सिंपली किल हो जाते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं जोन से नॉकआउट हो जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मेरे टीममेट भी यहाँ पर जोन से फिनिश हो जाएंगे। सो गाइस फिनिश होने के बाद सिंपली लोग भी जाके चेक कर लेते हैं। उसके अलावा वैसे यहाँ पर आप मेरी टीम के किल भी देख सकते हो। सो देख सकते हो हमारे ये वाला अचीवमेंट यहाँ कंप्लीट हो चुका है, तो सिंपली इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट अचीवमेंट की ओर। सो गाइस ये वाला हमारे यहाँ पर लास्ट अचीवमेंट होने वाला है। सो गाइस इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 1800 हेल्थ यहाँ पर रिकवर करनी है, वो भी सिर्फ एक मैच के अंदर। सो गाइस इसको आप करने के लिए आप सिंपली मतलब कि जोन का सहारा भी ले सकते हो। आप सिंपली मतलब कि शुरू से लेकर एंड तक यहाँ पर जोन के बाहर रहना, और यहाँ पर आपको सिंपली मतलब कि हीलिंग्स की नीड होगी। यहाँ पर आप सिंपली मतलब कि ऑर्डर वगैरह भी कर सकते हो, या मतलब कि मार्केट से मंगवा सकते हो। तो ये वाला गेम प्ले भी पुराना है, तो सिंपली हम यहाँ पर मतलब कि ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं हेल्थ किट,
उसके अलावा उस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लकी सिंपली लकी में बग्गी से जंप लगा लगा के अपनी हेल्थ यहाँ पर कम कर रहा हूँ बार बार। और जैसे हेल्थ मतलब कि ज़्यादा कम हो जाती थी, यहाँ पर सिंपली मैं फर्स्ट एड का यूज़ कर लेता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर लकी मैंने काफ़ी ज़्यादा बार किया था। उसके अलावा वैसे यहाँ पर आप नेड मोली का भी सहारा ले सकते हो। तो देख सकते हो मेरे टीममेट यहाँ पर मेरे पे खुद पे नेड कर रहा है, तो या तो आप नेड से नॉकआउट हो सकते हो और या फिर आप यहाँ पर नेड से डैमेज भी खा सकते हो। तो यहाँ पर नॉकआउट हो जाता है सिंपली मेरा टीममेट यहाँ पर मेरे को रिवाइव कर देता है। सो वैसे यहाँ पर मैं बोलूँगा आप यहाँ पर कम से कम एक टीममेट को लेकर चलो। अगर यहाँ पर आप गलती से भी अगर नॉकआउट हो जाते हो, अगर सोलो में करोगे यहाँ पर आप सीधा फिनिश हो जाओगे। बट गाइज अगर यहाँ पर आप डुओ या स्क्वाड में करोगे, यहाँ पर आप नॉकआउट ही होगे ज़्यादा ज़्यादा, तो आप काफ़ी दिन आपकी हीलिंग करके इसको कर लोगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर लकी हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हीलिंग कर ली थी। उसके बाद यहाँ पर बंदों से फाइट लेते हुए यहाँ पर लकी मैं नॉकआउट हो जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरी पूरी टीम यहाँ पर फिनिश हो जाती है, तो सिंपली लोग भी चलते हैं। तो देख सकते हो हमारी ये वाला अचीवमेंट यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। सो ऑल राइट गाइस, उम्मीद आपको समझ में आ गए होंगे जितने भी हिडन अचीवमेंट गेम में आए आपको किस तरीके से यहाँ पर कम्प्लीट करने हैं। तो सारे सारे सातों अचीवमेंट यहाँ पर मैंने बता दिए आपको। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।